आज हम आपको बताएंगे मनुष्य के शरीर से एवं स्वभाव से जुड़े ऐसे लक्षणों के बारे में, जिससे हम ये जान सकते हैं कि किस मनुष्य पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। कलयुग के अंत में पाप अंतिम चरण पर होगा और ये विनाश की ओर बढ़ता जाएगा। कलयुग में धर्म का केवल एक चतुर्थ अंश ही बच जाएगा और अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। दोस्तों, हनुमान जी 8 सिद्धियों के स्वामी हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले बड़े ही दयालु हैं। जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसका कोई भी शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को भले ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में हनुमान जी इनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं और इन्हें सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी पृथ्वी पर अपने पूर्ण रूप के साथ उपस्थित हैं और इसके कई प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। हनुमान जी ने कई भक्तों को साक्षात दर्शन भी दिए हैं। अगर घर के अंदर सदैव नकारात्मक और बुरी शक्तियों का निवास है, तो हनुमान जी की पूजा करना आवश्यक है। जिस घर में हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति पर किसी की भी बुरी नजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु हनुमान जी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करते जिस घर में स्त्रियों के साथ अत्याचार किया जाता हो, जिस घर के लोग मांस शराब का सेवन करते हो, जिस घर में पशुओं को मारा जाता हो, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान ना किया जाता हो और जिस घर में कोई भी धार्मिक व्यक्ति ना रहता हो। ऐसे घर से हनुमान जी चले जाते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग दुख भोगी होते हैं। इन्हें कभी भी सुख और चैन नहीं मिलता और ऐसे घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में। जिस भी व्यक्ति में ऐसे लक्षण होते हैं, उस पर हनुमान जी की कृपा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो लक्षण जिन पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति के शरीर में छोटी उम्र से कई सारे बदलाव होने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति छोटी उम्र में क्रोधी स्वभाव वाला होता है, परंतु धीरे धीरे इसके स्वभाव में बदलाव होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के बाल कम उम्र में ही मिश्रित होते हैं। काले एवं घने केश वाली महिलाएं उत्तम मानी जाती हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति कम ही बीमार पड़ते हैं और इन पर कभी भी बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी का प्रिय व्यक्ति शक्तिशाली होने के बावजूद भी क्षमाशील होता है, अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता और दूसरों को अकारण कष्ट नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के पास धन हो अथवा ना हो, दूसरों की सहायता करने वाला होता है और दान धर्म करने में विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से भविष्य में नाम कमाता है। जिस व्यक्ति की प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा और भक्ति भाव होता है, उस पर हनुमान जी सदैव मेहरबान रहते हैं। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, वह व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में विचलित नहीं होता और सावधानी से अपने काम करने लगता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख में सदैव शामिल रहता है और परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में दुखों को हंसते हंसते सहता है और शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, भयभीत नहीं होता। हनुमान जी की कृपा प्राप्त महिलाएं गृह कार्यों में दक्ष होती हैं। ऐसी महिलाएं जल्दी जागने वाली होती हैं और जीवन साथी के साथ कभी धोखा नहीं करती। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष भाग्यशाली माना जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति पराई स्त्रियों को बुरी नजर से नहीं देखता और स्त्रियों का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे पुरुष महिलाओं में लोकप्रिय होते हैं और औरतें उनकी मीठी वाणी से सदैव प्रभावित रहती हैं। ऐसा पुरुष सम्मान को महत्व देने वाला होता है और बुरे काम करने से बचता है। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, वो व्यक्ति मित्रों के साथ कभी धोखा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में निपुण होता है और स्वयं के और दूसरों के राज हमेशा गुप्त रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने आश्रित लोगों को बांटकर स्वयं थोड़े से भोजन से ही संतुष्ट हो जाता है। कड़ी परिश्रम के बाद सोता है तथा मांगने पर शत्रु की भी सहायता करता है। ऐसा व्यक्ति लालची नहीं होता और दूसरों के साथ कपट नहीं करता। जिस व्यक्ति में ऐसे लक्षण होते हैं, वो सर्वोत्तम होता है और जीवन में बहुत ही आगे जाता है। ऐसे गुण हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं।